सो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग एक अलग गेम खेलने वाले हैं। माइनक्राफ्ट से काफ़ी अलग गेम है और इसका नाम है हाउस फ्लिपर, जिसमें हम लोगों को घर को रेनोवेट करना होता है। तो यार, इतने पैसे तो है नहीं कि मैंने नया घर खरीद लूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने ऑफिस को ही रेनोवेट करने वाला हूँ और सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो ठीक है, मैं आ गया हूँ। तो भाई, सबसे पहले तो ये देख लो, ये मेरा टॉयलेट है, ये मेरा रूम है। मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बेचना स्टार्ट करता हूँ, तो पहले इसको बेचते हैं और मैं सारी चीज़ों को बेचते हुए आपको दिखाऊंगा। तो नहीं, जल्दी जल्दी से मैं बेच लेता हूँ, फिर लास्ट चीज़ बेचने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली अभी मैंने सारी चीज़ें बेच दी हैं, तो अभी मेरा घर कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा का पूरा खाली दिख रहा है। और फ्लोर पे ये सब बहुत ही काफ़ी अजीब है, लेकिन ठीक है, सही दिख रहा है फिलहाल को, तो पहले से ठीक ही दिख रहा है। इसको बढ़िया बनाने के लिए पहले हम लोगों को वॉलपेपर्स लगाने हैं, तो मैं फटाफट से अपने लिए जो अच्छे लगेंगे वो वॉलपेपर्स को चुन लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेड्स को देखा है, तो मेरे को ये जो टोकेन कैनन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो ट्राई करते हैं, पहले इस वाली वॉल पे ट्राई करते हैं। ओके, ये तो बढ़िया दिख रहा है, तो मैं फटाफट से इसको सब पे लगा के आता हूँ। अरे यार, ये वाली वॉल पे मैं सोच रहा हूँ कि इतना जो अब रहेगा अपना एरिया बेडरूम का रहेगा, तो मैं सोचा कोई और कुछ अलग सा एक वॉलपेपर लगाते हैं। तो ये तो हम लोग बेच वेच नहीं सकते, तो भी इसका पैसा तो गया। ठीक है, थोड़े पैसे गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ढूंढते अपने लिए एक न्यू वॉलपेपर, थोड़ा अच्छा वॉलपेपर, जो मेरे को कॉमिक वाला वॉलपेपर ये थोड़ा अच्छा लगा, इसको खरीद लेते हैं फटाफट। इसको भी अप्लाई करते हैं, सुंदर तो दिख रहा है ये, कुछ ख़राब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तब यही वाला वॉलपेपर यहाँ पे लगाते हैं, घर को पूरा वॉलपेपर वॉलपेपर कर देंगे। ओके, सो इतना सारा एरिया अपना कंप्लीट हो गया है, इतने में हमारा बेडरूम होगा। मगर हमारी अभी सीलिंग बच रही है, छत पे क्या लगाएंगे हम लोग? तो चलो यार, फटाफट से वॉलपेपर्स में ही कुछ अच्छा सा ढूंढते, अच्छा शेड, कुछ जो मतलब ऊपर अच्छा भी लगे थोड़ा। अबे ये वाला शीट थोड़ा सा ठीक है लग रहा है, ये थोड़ा माइनक्राफ्ट वाली फील दे रहा है, क्यूब वगैरह और ये लेगोस की तरह है थोड़ा बहुत, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलो इसी को लगा देते हैं, ये तो एकदम भाई किंडरगार्टन वाली लुक दे रहा है, वो छोटे बच्चों के हाउस वाली लुक दे रहा है। ठीक है, तब पूरे में सीलिंग में यही लगा देते हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ही जो एरिया होगा वो हमारे बेड का एरिया होगा, तो ठीक है, उतना बहुत सही लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ये अरेंज कारपेट है ये लगाने की, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बेटर दिख रहा है ब्लैक कलर में कारपेट के लुक में, तो यार मैं वही लगा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सीन थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, कुछ ख़राब नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सब लगाया है अंदर कारपेट, और ये वाला रूम तो अभी बचा ही है, इसको भी डेकोरेट कर देंगे। ओह, यहाँ पे गलती से मेरे से कारपेट लग गया, चलो ठीक है। इतने सारे बेड्स में मुझे ये वाला बेड अच्छा लग रहा है, और ये एकदम फिटिंग में भी है, देख रहे हो, एकदम फिट हो जा रहा है। पूरी यहाँ की जगह बहुत सारी बच गई, यहाँ पे मैं अपना डेस्क वगैरह सब कुछ बना दूंगा, क्योंकि ये एक ऑफिस है और थोड़ा बहुत तो अच्छा चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये बेड हो गया है, अब यहाँ पर एक ऑफिस टेबल वगैरह लगाते हैं, यही वाली टेबल हम लोग लगाएंगे, इसका ब्लैक में थोड़ा सा, ब्लैक तो नहीं है, ब्राउन है थोड़ा, लेकिन डार्क ब्राउन है, तो ठीक है चलेगा ये। इसको थोड़ा रोटेट करके इस साइड के तरफ को लगाते हैं, यहाँ पे अच्छे से पूरा अंदर तक गया है ना। ठीक है, इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। चलो भाई, सब ये प्लेस हो गया है, अब ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा। और भाई, गेमिंग चेयर तो नूब टू प्रो वाली गेमिंग चेयर लगा रहे हैं हम लोग, इसका नाम है नूब टू प्रो, रेड कलर में, तो रेडिश अच्छा कलर है, ऐसे करके रख देते हैं एकदम टेबल के सामने। चलो ये भी फिक्स हो गया, अब एक बेसिक सा कंप्यूटर लेते हैं, इसका नाम भी द बेसिक्स है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे टेबल पे थोड़ा पास में चेयर के, ये फिट हो गया, इसको ऑन कर देते हैं अभी। इसके अंदर हाउस फ्लिपर का लोगो आ रहा है, चलो ठीक है, ये एरिया बढ़िया लग रहा है। अरे भाई साहब, ये गिटार भी मुझे बढ़िया लग रहा है, इसको कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाएंगे या यहाँ पे बेड के ऊपर? ये यहाँ ठीक है, दोनों का शेड भी मिलता जुलता शेड है, दोनों का कलर। तो अब
यहाँ पे जो है मुझे किचन बनाना है, तो चलो फिर किचन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक सिंक को प्लेस कर दिया है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ मैंने प्लेस कर दी है, ड्रॉर टाइप की चीज़ है ये किचन की। तो और क्या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को रखना ज़रूरी है? चाकू वाकू रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सामान ले लिए हैं, जैसे कि एक पैन ले लिया, एक स्टोव रख दिया है, एक नाइफ सेट रख दिया है, और यहाँ पर एक ग्लास रखी हुई है कांच की। मैं सोचा हूँ ना अब यहाँ का कारपेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो वो कुछ अच्छा शेड जो मेरे को लग रहा है वो है ये वाला। ये वाला मैंने खरीद भी लिया, अब इसको लगा के देखते कैसा लग रहा है। ये देखो यार, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या किचन के लिए? यहाँ पे फ्रूट्स हैं अच्छे खासे, यहाँ पर कौन सा बहुत सारा फ्रूट है, तो इसी को लगा देते हमारे किचन के अंदर। तो चलो अभी ये इतना इतना सा एरिया ही ठीक है, और ये सुंदर भी लग रहा है, ये ज़मीन पे लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर और क्या, अरे ओ शिट, गलती से ये भी लग गया। अभी क्या करना पड़ेगा, शायद अपने को पूरी दीवार को ऐसा ही करना पड़ेगा लगता है, शायद इस वाली दीवार को ऐसा कर देते हैं और बाकी दीवारों को नहीं करेंगे। यार ये तो गलती हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे और बस ये लास्ट। हाँ अब अपन और नहीं करेंगे गलती, इतना बहुत है। अभी कुछ दूसरा अपना हैंड हाथ में ले लेते भाई, ये कभी भी कहीं भी लग जा रहा है, एक बार बाथरूम में लग गया था, इस बार इधर पे लग गया है। चलो अभी देखते हैं। तो यार मैं टेबल लगा रहा था किचन के अंदर, तो मैंने सोचा कि कोई चेयर ले लेते, तो चेयर के नाम पे ये आम चेयर आई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे रखते, क्योंकि ये मुझे बहुत खाली खाली सी जगह लग रही थी, तो इसको यहीं पे रख देंगे तो आपने बैठने के लिए ठीक ठाक जगह हो जाएगी एक, और ये जगह भी भर जाएगी अच्छे से, पूरी खाली हो रखी थी ये जगह। चलो भाई ये यहाँ पे हो गया, और अपने को तो अभी एक चेयर चाहिए और अपने डाइनिंग टेबल के लिए। डाइनिंग टेबल मैंने काफ़ी छोटा सा रखा हुआ है, अरे इसको थोड़ा सा बीच में ला देते हैं। ओके अभी ये फिक्स हो गया, अब मेरे को चाहिए बस एक चेयर ही है अपने छोटे से डाइनिंग टेबल के लिए। चलो यार मेरे को ये जॉनी चेयर अच्छी लग रही थी यार, ये कितनी छोटी है, वहाँ फोटो में काफ़ी बड़ी दिख रही थी, कितनी छोटी। अरे 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 भाई मैंने कितनी सारी बाय कर दी, अब सबको सेल करना पड़ेगा यार, ये या आधे दाम में जाएंगी, नुकसान हो गया यहाँ पे। चलो फटाफट अपनी स्कैनर मशीन से इन दोनों को हटा देते हैं, बस एक को रखते हैं। वैसे काफ़ी छोटा आ गया, ऐसे लग रहा है किसी बच्चे के लिए है, लेकिन ठीक है ये नॉर्मल साइज़ ही है, उतनी भी छोटी नहीं है, क्योंकि टेबल भी स्मॉल साइज़ ही है ना। चलो ये फिट तो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं। हाँ ये तो फिट हो गया, ये ईजी फिट हो गया एकदम। और अक्सर डाइनिंग टेबल में जो टेबल होती है वो थोड़ी ऊपर रहती है, चेयर नीचे होती है। तो अब और कहाँ पे अपने को काम करना है, अब अपना टॉयलेट बच रहा है यार, अपने टॉयलेट में कुछ तो काम करना पड़ेगा, अपन ने काम इतना नहीं किया कुछ। एक सेकेंड, कर्टेंस, हाँ यार अपन ने कर्टेंस नहीं लगाए, यहाँ पे कर्टेंस की ज़रूरत है। चलो तो फिर मैंने यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कलर के कर्टेंस लगा दिए हैं, और ये कर्टेंस काफ़ी सुंदर भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरी खिड़की अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे ये वाली खिड़की लगवानी चाहिए, वाइट कलर वाली ठीक थी, वाइट वाली लगवा देते हैं। ओके सो ये देखो यार अभी कितनी सुंदर दिख रही है ये कर्टेंस के साथ, और यहाँ भी मुझे यही वाली खिड़की लगवा देनी चाहिए, क्योंकि ये वाली खिड़की काफ़ी सही है, इसमें शेड्स तो मैं देखूँगा नहीं, क्योंकि वाइट वाले के अलावा और कोई अच्छा है ही नहीं। और यहाँ पे भी अपने को खिड़की के चेंज करना चाहिए, और डोर भी चेंज करेंगे। तो चलो यार पहले अपने को अपने रूम से स्टार्ट करना है, एक खिड़की चेंज करके। चलो पहले खिड़की चेंज करते हैं, उसके बाद रूम की स्टार्टिंग करते हैं। ओके सो अपनी खिड़की चेंज हो गई है, अब मैं ये पूरा सब लगवा के आपको मिलता हूँ। मैं यहाँ पे फटाक से ज़रा अपना ये डोर चेंज कर दे रहा हूँ, वाइट कलर कर दिया है, और मैंने यहाँ पे एक फ्रिज दिखा दिया था आपको बना, मतलब मैंने लगाया था लेकिन आपको दिखाया नहीं था। तो फाइनली अपना रूम यहाँ पे तैयार हो चुका है, यहाँ पे ये सब मैंने थोड़ी एक पेंटिंग लगा दी है, और यहाँ पर अपना टॉयलेट है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ, यहाँ पे ग्लासेस लगा दिए हैं, ग्लासेस बोल रहा हूँ, आई मीन मिरर लगा दिया है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, और ये थोड़े से टॉवल है, और मैंने यहाँ की खिड़की तो आपको चेंज करते हुए दिखाई थी, और यहाँ पे ये मैंने कर्टेंस वगैरह आगे रेड कलर के कर्टेंस लगाए, और ये फ्रिज तो अभी दिखाया आपको, और बस यही था मेरा रूम। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सोने, अरे मैंने बेड ही उठा दिया, मैंने गलती से बेड ही उठा दिया, अरे बेड को फिक्स कर दिया, अरे फिक्स ठीक से नहीं हुआ है, कोने में जगह बच गई, एकदम चिपका देते हैं। और चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ बेड पे,
और तब तक के लिए मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।